बताना चाहूँगा अपनी बेल्ट पैलसी के बारे में और ये मुझे कैसे हुई और मैं इसकी छोटी सी स्टोरी है। और अभी मुझे फिफ्थ डे है तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा ये वाला लेफ्ट इस साइड को हो जा रहा है क्योंकि ये वाले मसल तो अच्छे से काम कर रहे हैं लेकिन मेरे ये वाले जो मसल हैं ये अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। और मुझे जल्दी पता लग गया था कि मुझे बेल पैल्सी है क्योंकि मैं बी फार्मेसी स्टूडेंट हूँ तो इस डिज़ीज़ के बारे में मैंने पढ़ा ही था लेकिन कभी ऐसे सोचा नहीं था कि ये मेरे साथ ही हो जाएगा। चलो अब हो गया तो इसको तो क्या कर सकते हैं, लेकिन ये है कि जो जो मुझे मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ अभी रह रहा है उसको मैं आपके साथ शेयर करूं। इसमें डरने की कोई बात नहीं क्योंकि जब स्टार्टिंग में मुझे हुआ था तो मैं बाइक से घर जा रहा था तो मैं जैसे घर पहुंचा तो मेरे एक साइड मुझे ऐसा लगे कि मेरी स्वेलिंग हो रही है। जो ये वाली साइड है जो नॉर्मल साइड है मुझे ऐसा लग रहा था कि एक साइड मेरी स्वेलिंग हो रही है लेकिन मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि मेरे किस साइड क्या हो रहा है। तो जैसे कि मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं ठंड से होगी अगले दिन ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। अगले दिन मेरी साइड ये वाली बिल्कुल काम करना बंद कर चुकी थी। जैसे अभी भी मेरी एक आइज़ ब्लिंक कर रही है ये वाली और ये वाली ब्लिंक ही नहीं कर रही, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही। लेकिन मैं आपके लिए वीडियो तो बना रहा हूँ क्योंकि कई लोग इसमें डर जाते हैं कि बेल पैल्सी एक तरह का पैरालाइज है या क्या हो गया। अब तो चलो ऊपर वाले पे डिपेंड करता है और मेडिसिन और सारा कुछ कि मैं कितनी जल्दी ठीक होता हूँ, लेकिन अपनी तरफ से तो पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। और देखो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद मैंने इंटरनेट पे सर्च किया फेस पैरालिसिस के बारे में तो इसमें बेल्स पैल्सी आए और मैं उसी दिन डॉक्टर के पास चले गए तो डॉक्टर ने मुझे कुछ स्टीरोइड दिए जैसे मिथाइल प्रेडनिसोलोन दिया और एसिक्लोविर जो वो एंटीवायरल ड्रग है वो दी और लाइकोपिन जो मल्टी विटामिन है वो दिए और कुछ आयुर्वेदिक कैप्सूल दिए थे और मुझे बोला था कि एक्सरसाइज करते रहना तो मैं वो एक्सरसाइज फॉलो कर रहा हूँ। तो काफ़ी हद तक जैसे ये देखिए ये वाली लाइन बन रही है, अब मैंने एक्सरसाइज और मेडिसिन की वजह से ये बड़ी थोड़ी मैं कर पा रहा हूँ लेकिन इतना अच्छे से नहीं। और जैसे आईब्रो भी देख सकते हैं आप, आईब्रो मैं एक तो अच्छे से उठा रहा हूँ लेकिन दूसरी को उठा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उठें। तो जैसे जैसे मैं रिकवर होता जाऊँगा मैं आपके लिए वीडियो डालता रहूँगा कि कितने दिन लगे मुझे। आज मेरा फिफ्थ डे एक्सपीरियंस है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि अगर किसी को भी था फैमिली में तो उसको कितने दिन लगे रिकवर होने में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।